रहमान रहीम। टुडे ओवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑर्डर डरमैप्टरा। ऑर्डर डरमैप्टरा जो है एंटोमोलॉजी जो फील्ड है उसके रिलेटेड एक टॉपिक है, और ये क्लास इंसेक्टा का एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्डर है। आज हमने इसके रिलेटेड जो डिस्कस करना है कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट फैमिलीज हैं, इसके करेक्टर्स हैं, और इसका लाइफ साइकिल जो है ऑर्डर डरमैप्टरा का कैसा होता है, और इसका कुछ इंट्रो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इसके इंट्रो के बारे में। जो ऑर्डर डरमैप्टरा जो है टू ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। डरमा मीन्स होता है स्किन और पैट्रा मीन्स होता है विंग्स। जो इसके विंग्स होते हैं ऑर्डर डरमैप्टरा में, जो फोर विंग्स होते हैं उनकी स्किन लाइक अपेरेंस होती है जो कि हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। डरमैप्टरा जो है वर्ल्ड वाइड ऑर्डर है, और ये इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो मीडियम इन साइज इंसेक्ट होते हैं। जो ऑर्डर डरमैप्टरा है इसका कॉमन नेम जो है ईयर विंग्स इसे हम कहते हैं। इसके रिलेटेड एक सुपरस्टिशियस कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईयर विंग्स होते हैं नाइट टाइम में जो है ह्यूमन जो है उनके ईयर्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये है जो इसका कॉमन नेम रखने की वजह है, जो इनके विंग्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन ईयर से सिमिलर होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। जो ऑर्डर डरमैप्टरा है ये स्मॉल ऑर्डर है क्लास इंसेक्टा का, और इसमें सिर्फ 2000 जो है स्पीशीज पाई जाती हैं। 3 सब ऑर्डर्स हैं और 15 सब फैमिलीज हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स की बात करें ऑर्डर डरमैप्टरा की, तो इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है जिसको हम हैमी मेटाबोला कहते हैं। डरमैप्टरा जो होते हैं लोंगेट इंसेक्ट हैं जिनकी जो है 50 मिलीमीटर तक जो लॉन्ग हो सकते हैं। जो इनका हेड होता है वो प्रोगनेथस टाइप होता है, मीन फॉरवर्ड टाइप होगा, और जो माउथ पार्ट होते हैं वो च्यूइंग टाइप होते हैं। अडल्ट में जो होते हैं टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, जो फोर विंग्स होंगे वो शॉर्ट लेदरी और मॉडिफाइड हुए होंगे टैगमीना में, जबकि जो हाइंड विंग्स होते हैं वो होते हैं मिम्ब्रेनस होते हैं और लार्ज होते हैं। जो फोर विंग्स होते हैं वो हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करते हैं, और हाइंड विंग्स जो होंगे फोर विंग्स के नीचे होंगे। जो इनके एंटीनास होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। फिर हम देखें मेल में जो होते हैं वो 10 और फीमेल में जो होते हैं 8 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, जो इनकी बॉडी होती है वो डिवाइड हुई होती है। जो नेक्स्ट इनके करेक्टर्स की बात करें तो इनमें जो सिरसी होता है जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जो मेल होता है उसमें जो सिरसी होते हैं वो कार्वड शेप होते हैं जिससे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो फीमेल होता है उनमें जो होते हैं स्ट्रेट शेप होते हैं, जो सिरसी प्रेजेंट होते हैं। जो सिरसी होते हैं एज अ पिंसर के तौर पर वर्क करते हैं, और ये इसको यूज़ करते हैं अपने डिफेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, कोर्टशिप के लिए, मेटिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, और फीडिंग के लिए भी यूज़ करेंगे प्रे को पकड़ने के लिए। जो इनके इनमें होते हैं एक और करेक्टर्स जो हैं इनमें कंपाउंड आइज जो हैं कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ जो ऐसी स्पीशीज़ हैं टैक्सा हैं जिनमें ये अब्सेंट होते हैं। जो डरमैप्टराज हैं इनमें रिप्रोडक्शन देखें तो इनमें कुछ जो होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं, मीन्स एग ले करेंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं वीवी पैरस होते हैं जो कि यंग वन को बर्थ देंगे, जिनमें हमारे पास हैमी मरीना आ जाते हैं और दूसरा एरेक्जीना जो है इंपॉर्टेंट जो इसके ऑर्डर्स हैं। एयर विंग्स जो होते हैं वो स्कवेंजर होते हैं, डेड मटेरियल जो है उस पर फीड करेंगे। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने डिस्कस किया कि मतलब इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, तो मीन इनमें 3 लाइफ स्टेजेस होंगी, एग स्टेज होगी, निम्फ स्टेज होगी और अडल्ट स्टेज होगी, मीन इनमें पुपा जो स्टेज है वो एब्सेंट होगी। एग जो स्टेज होती है उसमें फीमेल जो है सबसे पहले एक ऐसी लोकेशन ढूंढेगी जहाँ पे उसे फेवरेबल कंडीशंस हो, वहाँ पे वो एग ले कर सके, उसको हम कह देंगे सेल कहते हैं जो एग ले करेगी। जो फीमेल जो है जो एयर विंग्स की होंगी वो 20-80 जो है एग ले करती है सिंगल ब्रूड में एक सीजन में। जो इनकी जो फीमेल होती है वो एग्स को प्रोटेक्ट भी करती है और क्लीन करती रहती है जब तक वो हैच नहीं होते पैरासाइट से, और जो एग होते हैं वो आफ्टर 7 डेज के अंदर जो है हैच कर जाते हैं। नेक्स्ट जो इनकी स्टेज आती है वो नीव स्टेज आती है, जिसको हम बेबी या फिर जुवेनाइल स्टेज भी कहते हैं। और जो एयर विंग्स जो है अपनी नीव से अडल्ट स्टेज के दौरान जो है 4-6 टाइम जो है मोल्टिंग को फेस करता है जब चेंज होने में। जो इनकी नीव स्टेज होती है वो लाइट इन कलर होती है, और
ये जो है 40 to 60 डे के अंदर जो है अडल्टहुड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, जब अडल्ट स्टेज का हमें कैसे पता चलेगा, जब वो अडल्ट हो जाते हैं एयर विंग्स, तो ये सेक्सुअली जो है मेच्योर हो जाते हैं और ये इनमें फुली विंग्ड आ जाते हैं और ये फंक्शनल इनमें एंटीनास भी प्रेजेंट होंगे। जो इनका एवरेज जो है लाइफ स्पैन जो होता है एयर विंग्स का जो होता है वो अबाउट 1 ईयर तक होता है। अगर हम इनके इम्पोर्टेंस जो है, इनके ऑर्डर जो है वो 3 है, जिनमें हेमी मरीना है, एरेगजीना है और तीसरा जो है फोरफिकुलिना है। और उनके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैमिलीज भी हैं, जो हेमी मरीना में हेमी मेरिडी है और आरगजीनिना में जो इम्पोर्टेंट फैमिली है वो एरेगजीनिडी है, और जो फोरफिकुलिना में कुछ ये इम्पोर्टेंट जो है इसकी फैमिलीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले देखें हेमी मरीना के जो सब ऑर्डर में इम्पोर्टेंट फैमिली है वो हेमी मेरिडी है, और जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज़ है जिसको मोस्टली लोग जानते हैं वो हेमी मरीरा मेरस बोवीरी है, जो इम्पोर्टेंट जो इसमें स्पीशीज़ है। ये जो स्पीशीज़ होती है वो विंगलेस है और ये ब्लाइंड होती है, इनमें कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट नहीं होती, और ये वीवी पैरस होंगी, एक्टो पैरासाइट्स होती हैं, और वीवी पैरस भी यंग वन को बर्थ देंगी। और ये एक्टो पैरासाइट जो हैं अफ्रीका में जो रोडेंट्स पाए जाते हैं उनके ऊपर जो है पैरासाइट्स हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और ये मोस्टली जो है जैसे कि मैंने बताया रोडेंट्स के ऊपर जो पैरासाइट्स हैं, तो ये रोडेंट्स जो है रैट्स जो हैं मोस्टली जो अफ्रीका में पाए जाते हैं ये उनके ऊपर फीड करती हैं। इनकी जो लेग्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और ब्रॉड होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है अपने जो होस्ट है उसके साथ अच्छे से चिपक जाती हैं, और अपने जो माउथ पार्ट होते हैं, इनके च्यूइंग टाइम माउथ पार्ट होते हैं पीछे डिस्कस किया, जिसकी वजह से ये उनकी बॉडी के ऊपर स्क्रैप करती रहती हैं और वहाँ से फीड करती हैं, जिसकी वजह से जब वो स्क्रैप करेंगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन से क्या होगा, वहाँ पे पैरासाइट जो है दूसरे पैरासाइट या फिर डिजीज उन्हें कॉज होंगी, और इससे जो रैट होगा उसमें इरिटेशन भी कॉज होगी और उससे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली एरिक्सिनिडी है। जो फैमिली एरिक्सिनिडी है इसमें 2 इम्पोर्टेंट जेनराज आ जाते हैं, एक एरिक्सिना आ जाता है और दूसरा जिनेरिया आ जाता है। लेकिन अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स की बात करें तो दोनों में से अगर एक एक इम्पोर्टेंट मेंबर ले लें दोनों जनरा में से, तो एरेक्जीना ईसू है और दूसरा जिनेरिया जैकोबोसिनी है। ये मोस्टली मेंबर जो हैं वेल नाउन है, और ये दोनों के दोनों मेंबर जो हैं एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, विंगलेस हैं, और इनकी जो बॉडी होती है उनके बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लाइंड होते हैं। ये एक्टो पैरासाइट्स हैं बैट्स के ऊपर जो एशिया में पाई जाती हैं, जैसे कि मलेशिया में, इंडोनेशिया में और फिलीपाइंस में। और ये मोस्टली जो है ये एक्टो पैरासाइट जो हैं एयर विंग्स जो हैं मोस्टली जो है बैट की जो जीनस है कैरोमिलिस उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसको हम जिनका कॉमन नेम जो है नेक्ड बुल डॉग बैट्स हैं, और ये जो है स्कमेंजर हैं डेड मटेरियल्स को भी फीड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम जो हमारा तीसरा सा बॉर्डर था फॉर्फिकुलिना उसके जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज के डिस्कस करें, तो पहली फैमिली जो है फॉर्फिकुलिडी है। फॉर्फिकुलिडी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेंबर जो है इस फैमिली का वो फॉर्फिकुला एरिकुलेरिया है, जिसको हम जिनका कॉमन नेम जो होता है यूरोपियन एयर विंग्स हैं और कॉमन एयर विंग्स हैं। जो फॉर्फिकुला एरिकुलेरिया है ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, और इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेट होती है, सिलेंडर होती है, और जो इनके एंटीनाज होते हैं जैसे देख सकते हैं बीडेड एंटीनाज होते हैं। ये जो होते हैं डेड पे और अलाइव दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, और जो अगर हम इसकी एज अ बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर देखें कि ये हमें फ़ायदा भी देते हैं कुछ एयर में, कैसे जो यूरोप है यूरोप में जो मोस्टली जो एफिड होते हैं वो अटैक करते हैं एप्पल्स के ऊपर और पियर जो ऑर्चर्ड्स है उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो यूरोपियन एयर विंग्स है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा और उन एफिड्स के ऊपर फीड करेगा। अगर हम नेक्स्ट फैमिली की बात करें, फैमिली लेबीडोरिडी है। फैमिली लेबीडोरिडी जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली जो स्ट्रिप्ड एयर विंग्स कहते हैं, और जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेंबर है वो आ जाते हैं लेबीडोरा रिपेरिया, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स आ जाते हैं, जिसको हम रेडिश ब्राउन एयर विंग्स भी कहते हैं। जो रेडिश ब्राउन एयर विंग्स होते हैं इनका जो बॉडी साइज होता है वेरी करता है, और मोस्टली जो है 16 mm to 30 mm तक वेरी करता है। और जो लेपिडोरा रिपेरिया जो होते हैं इनके जो
एज अ प्रीडेटर के तौर पर वार करते हैं, और ये मोस्टली जो है लैपिडोप्टरन जो है, लैपिडोप्टरन में आप जानते हैं जैसे कि हमारे पास बटरफ्लाइज जो होती हैं और मॉथ होते हैं, उनके लार्वे के ऊपर फीड करता है। अगर हम इसकी अगर एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पर इसका फ़ायदा देखें तो कॉटन के ऊपर एक स्पीशीज़ है टोबैको कार्टवॉर्म जो है वो अटैक करता है, लेकिन जो हमारे पास लैबिडोरा रिपेरिया है एज अ प्रीडेटर के तौर पर वार करेगा और उनके ऊपर फीड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा था स्ट्रिप्ड एयर मिंग्स जो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स हैं जो कि शुगर कैन बोरर के ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैमिली आ जाएगी वो फैमिली है स्पॉन्जी फॉरेडी। जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको हम लिटिल एयर विंग्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी साइज होता है वो स्मॉल होता है, और ये विंग्ड एयर विंग्स होते हैं जो इनका साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर तक होता है, और जो इनका बॉडी कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन कलर होता है और लेस शाइनी होता है। जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज़ जो हम जानते हैं वो लीबिया माइनर है। लीबिया माइनर जो है मोस्टली टम्परेट जोन में पाई जाती है दरमियाने इलाके में, जहाँ पे टम्परेचर जो है टम्परेट रहेगा, और ये फीड करते हैं डेड की मटेरियल के तौर पर। अगर हम इसके फायदे की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट के तौर पर, तो हम जैसा कि मेन्योर जो होता है जो गोबर है उसको एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसमें जो फर्टिलाइज़र उसमें मैगट्स प्रेजेंट होते हैं, जब उसको हम एज अ मेन्योर के तौर पर यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये मैगट्स जो हैं प्लांट्स को भी अफेक्ट करेंगे। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लेबिया माइनर का यूज़ करते हैं, और जो एज अ प्रीडेटर है मैगट्स का उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैमिली आ जाती है, फैमिली एन आइसोलेबिडी है। एन आइसोलेबिडी जो मेंबर्स होते हैं उनको हम रिंग लेग्ड एयर विंग्स कहते हैं, और इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज़ जो है यूबोरिलिया एनोपिलियस है। जो इनकी बॉडीज जो बॉडी के अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनका जो बॉडी होता है पेल ब्राउन कलर का होता है, और इनकी बॉडी के ऊपर डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो बॉडी साइज होता है वो 10 मिलीमीटर होता है या फिर 25 मिलीमीटर तक लेंथ हो सकती है, और ये विंग लेस स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल जो होंगी वो मेल से लार्जर होंगी, और इनमें एंटीना जो होता है वो 16 सेगमेंट तक जो होता है इनमें एंटीना जो होगा इनमें प्रेजेंट होगा। अगर हम इसकी जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो नेचुरल एनिमीज है अगर हम देखें, जो रिंग लेग्ड है ये एजा हमें नुकसान के तौर पर हमें नुकसान ही पहुंचाता है। जो रिंग लेग्ड एयर विंग्स जो होते हैं ये पोटैटो या स्वीट पोटैटो या पोड्स जो पीनट्स के ऊपर उनके ऊपर अटैक करता है, तो इसके लिए हम इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एक पैरासाइट यूज़ करेंगे जो कि डिप्टेरा फैमिली से बिलोंग करता है, और जो टैकिनिडी है उससे बिलोंग करेगा। उसको हम पैरासिटिक फ्लाई को एज अ नेचुरल एनिमीज के तौर पर यूज़ करेंगे रिंग लेग्ड एयर विंग्स के खिलाफ। फिर अगर एक और इम्पोर्टेंस की बात करें, जो शुगर केन है मोस्टली जो है क्रॉप जो है ब्राज़ील में ग्रो की जाती है, तो उसको एक फैमिली जो है फैमिली मेम्बर है लेपिडोप्टरा का वो जो है अफेक्ट करता है, जिसका नाम है डाइट्रेका सैकरेलस अफेक्ट करता है, जिसका कॉमन नेम स्टेम बोरर है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम रिंग लैग्ड एयर विंग्स का यूज़ करेंगे जो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा।